गांव में धीरज के दो जुड़वा बेटे थे। एक का नाम था राधेश्याम और दूसरे का नाम घनश्याम। धीरज एक कुम्हार था और वो बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। वो अपने दोनों बेटों को भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता था। बच्चों, मैं तुम लोगों को अपनी विरासत सौंप कर जाऊंगा ताकि तुम दोनों इस कला को जिंदा रखो। तुम लोग मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना और उन्हें बेचकर अपना घर चलाना। हम कुम्हार जाति के लोगों को स्वयं भगवान ने यह कला सौंपी है, हमें हमेशा इससे जुड़े रहना चाहिए। समय बीतता है, धीरज की मृत्यु हो जाती है और राधेश्याम और घनश्याम बड़े हो जाते हैं। राधेश्याम को अपने पिता की दी गई विरासत बहुत प्यारी होती है, वहीं घनश्याम इसे बेकार मानता है। अरे भाई, मैं जानता हूँ तुम इतनी निपुणता से मिट्टी के बर्तन नहीं बना पाते हो। मुझे लगता है इसकी वजह तुम्हारे मन में है। तुम इसे बेकार मानते हो इसीलिए मन से नहीं करते, और इस वजह से तुम्हारे बर्तन का आकार सही नहीं आता। हमारे पिता हमसे कहकर गए हैं कि हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। अरे तुम चुप भी करो, जब देखो विरासत विरासत करते रहते हो। क्या देकर गए वो हमें? बस ये एक मिट्टी की झोपड़ी और कुछ नहीं। उन्होंने अपना जीवन भी इसी तरह बिता दिया और चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन इसी गरीबी में बिताएं। तुम जो भी कहो, मैं तो शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो। इतना कहकर घनश्याम अपनी पोटली उठाता है और राधे श्याम को अकेला छोड़कर चला जाता है। अपने भाई का इस तरह से जाना राधे श्याम को बहुत बुरा लगता है। वो अपना सारा दुख काम पर ध्यान देकर मिटाना चाहता है। घनश्याम ना जाने ऐसा क्यों चाहता है। अब मुझे अकेले ही मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना काम चलाना पड़ेगा। हाँ, इसमें कमाई ज्यादा नहीं है, पर फिर भी हम कुमारों को तो भगवान ने यही कला दी है। राधे श्याम अब अकेले ही खुद मिट्टी को सानता और फिर उस मिट्टी से बर्तन बनाता और फिर उसे पकाकर बाजार में बेचता। इस तरह से उसका जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा था। एक दिन वो बाजार में अपने बर्तन लेकर बैठा था कि एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। प्यारी बिटिया, तुम्हें क्या चाहिए? अंकल, आपके पास मिट्टी के खिलौने नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास तो सिर्फ बर्तन है। बर्तनों का काम ही बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, इसीलिए मैं खिलौने बनाने के बारे में नहीं सोचता। अंकल, आप मेरे लिए खिलौने बनाओ ना, मैं उसे आपसे खरीदूंगी। ठीक है बेटी, कल मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आऊंगा। राधे श्याम रात भर जाकर मिट्टी के कुछ खिलौने बनाता है। अगले दिन जब वो अपने सामान बेचने की जगह पर पहुँचता है तो देखता है कि वो बच्ची उसका वहाँ इंतजार कर रही थी। खिलौने लाए हो? हाँ बिटिया, देखो मैंने खास कर तुम्हारे लिए खिलौने बनाए। राधे श्याम उसे एक प्यारी सी मिट्टी की गुड़िया देता है। गुड़िया देखकर बच्ची खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो राधे श्याम को अपना हाथ आगे करने को कहती है। जैसे ही राधे श्याम अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो उस पर एक सोने का सिक्का रख कर चली जाती है। अरे, एक मिट्टी की गुड़िया के बदले उस बच्ची ने एक सोने का सिक्का दे दिया। मुझे तो बस 10 पैसे चाहिए थे। वो बच्ची कहाँ गायब हो गई? कहीं दिख भी नहीं रही। राधे श्याम उस बच्ची को खोजने की कोशिश करता है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। लेकिन उसके पास दूसरे बच्चों की भीड़ लग जाती है। अंकल, मुझे भी वैसी गुड़िया दो ना, जैसी आपने अभी देवी को दी। हाँ, मुझे भी वैसी ही चाहिए। अरे बच्चों, पर मैं तो बस एक ही गुड़िया बनाकर लाया था। अगर तुम सबको मेरी गुड़िया पसंद आ रही है तो मैं कल से और बनाकर ले आऊंगा। उस बच्ची का नाम देवी है, क्या कोई बता सकता है कि वो कहाँ रहती है? नहीं अंकल, हम तो ये नहीं जानते। मैंने तो बस उसके हाथ में गुड़िया देखकर पूछा कि कहाँ से लाई हो, तो उसने हम सबसे कहा कि हम प्लास्टिक के खिलौने छोड़कर आपसे ही खिलौने खरीदे। अब राधे श्याम धीरे धीरे मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाना शुरू कर देता है और फिर उसके खिलौनों का व्यापार अच्छा चलने लगता है। उसे अभी तक वो बच्ची नहीं मिली थी जिसने उसे सोने का सिक्का दिया था। उसने उस सिक्के को अभी तक संभाल कर रखा था।
उसके खिलौनों का व्यापार अच्छा खासा चलने लग जाता है। वो धीरे धीरे एक मिट्टी के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री खोल लेता है और वो एक घर भी खरीद लेता है। फैक्ट्री खोलने के बावजूद भी वो अपने हाथ से ही बर्तन बनाया करता था। एक दिन उसके घर पर कोई दस्तक देता है। कौन है? मैं घनश्याम। अपने भाई को अपने सामने देखकर राधे श्याम उसे गले से लगा लेता है। घनश्याम 2 साल बाद शहर से लौटा होता है। उसकी हालत बिल्कुल फकीर की तरह होती है। वो फटे हुए कपड़े पहना होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। अरे घनश्याम, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई भाई? अरे क्या बताऊं भाई, शहर में मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता था। मैंने तुम्हारे मिट्टी के खिलौने की चर्चा शहर तक सुनी, वो सुनकर ही मैं वापस आया हूँ। हाँ, अब मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। मैं अब भी हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, पर अपने कुमार भाइयों को रोजगार देने के लिए और मिट्टी के सामान बनाने का प्रोत्साहन देने के लिए मैंने एक फैक्ट्री खोल ली है। वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, उससे काफी मुनाफा हो जाता है। तुम भी उस फैक्ट्री में काम करो। अपने भाई को इतना तरक्की करता देख घनश्याम के मन में भी ईर्ष्या आ जाती है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इसलिए घनश्याम सोच लेता है कि वो रात को राधे श्याम को मार देगा और फिर खुद उस घर और फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा। खुद वो फैक्ट्री का मालिक बना बैठा है और मुझे फैक्ट्री में मजदूर बनने को कहता है। मैं आज उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। घनश्याम रात को चुपके से राधे श्याम के कमरे में छुरा लेकर घुस जाता है। राधे श्याम सो रहा होता है। घनश्याम उस पर वार करने ही वाला होता है कि राधे श्याम की अलमारी से रोशनी आने लगती है, जिससे राधे श्याम की नींद टूट जाती है। घनश्याम, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये रोशनी मेरी अलमारी से कैसे आ रही है? राधे श्याम अलमारी खोल कर देखता है तो वो पाता है कि वो रोशनी उस सिक्के से आ रही होती है जो उस बच्ची ने उसे पहला खिलौना बेचने पर दिया था। सोने के सिक्के को देखकर घनश्याम के मन में लालच उमड़ता है। वो दौड़कर जाकर उसको उठाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उस सिक्के को छूता है तो उसका हाथ जलने लगता है। फिर वो सिक्का जमीन पर गिर जाता है और फिर उससे एक देवी बाहर आती है। देवी को देखकर राधे श्याम हाथ जोड़कर बैठ जाता है। मैं कुम्हारों की कुल देवी हूँ। राधे श्याम, तुमने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए छोटी बच्ची के रूप में आई थी। मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, फिर तुमने अपनी मेहनत से पूरा कारोबार संभाल लिया। तुम्हारे मिट्टी के सामान का कारोबार इतना बड़ा हो गया, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं आया। मैं हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। तुम अपने बच्चों को भी इसी तरह मिट्टी से जोड़े रखना। तुम्हारा भाई घनश्याम आज तुम्हें मारने की इच्छा लेकर तुम्हारे कमरे में आया था। तुम जो चाहो घनश्याम को सजा दे सकते हो। प्रणाम देवी, मैं आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया। घनश्याम मेरा जुड़वा भाई है, मैं उसे कैसे सजा दे सकता हूँ? भले ही वो ठीक से काम नहीं करता, पर फिर भी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों भाई मिलकर मिट्टी के कारोबार को और आगे बढ़ाएं। ये सब सुनकर घनश्याम रोने लगता है और राधे श्याम से बार बार माफी मांगने लगता है। राधे श्याम उसे माफ कर देता है। देवी के आशीर्वाद से अब घनश्याम भी मिट्टी के सामान बनाने में निपुण हो जाता है। अब उसके मन से सारी द्वेष भावना मिट जाती है। देवी राधे श्याम की इच्छा पूरी करती है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते हैं। इस तरह दोनों भाई फिर खुशी खुशी जीते हैं और तरक्की करते जाते हैं।